कैसोन CS6 को खरीदे हुए आज मुझे करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक रिव्यू किया जाए इस कैमरे का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके आउटर अपीयरेंस की। ये एकदम बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन और चुटकू सा दिखता है, जिसमें कि आपको 3 बटन मिलते हैं, जिसमें एक मेन पावर बटन, दूसरा मोड्स के बटन है। ये आपको इस तरह का दिखता है जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एकदम ये बहुत ही चुटकू सा है। इसके साथ हमें मिलती है लिटरली बहुत सारी एक्सेसरीज़, लेकिन मैं उसमें बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट की। जैसे कि अभी मैं जो लेके बैठा हूँ वो है एक ये पिद्दू सा ट्राइपॉड, जो कि आपको छोटी छोटी शॉट्स लेने में हेल्प करेगा, और एक वाटरप्रूफ केसिंग जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और साथ ही में आप हमको मिलता है एक ये माइक्रोफोन। इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं थोड़ी देर में आपके सामने। और साथ ही में इसके साथ मिलती है एक एक्स्ट्रा बैटरी और एक अडेप्टर जिससे आप 2 बैटरी को चार्ज कर सकते हो। वीडियो शूट करने के लिए इसमें हाईएस्ट क्वालिटी मिलती है हमको 4K 30 FPS, और साथ ही में 2.7K 30 FPS और 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS। लेकिन मैं बेसिकली मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ 30 FPS। अभी बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा इसका 4K 30 FPS दिखता कैसा। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने शूट किया है 4K 30 FPS पे इसी कैमरा से, और जो आवाज़ है वो भी इसी के माइक्रोफोन की है जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो आप चेक कर सकते हैं ये पूरा। मोटो व्लॉगिंग के लिए 2.7 और 30 FPS पे यूज़ करने के रीज़न ये है कि एक तो सबसे पहले ये क्वालिटी और स्टोरेज बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे लगता है कि आपको इसमें परफेक्ट क्वालिटी मिलती है और परफेक्ट स्पेस ही आपका कंज्यूम करता है। तो कैमरा के साथ कोई स्टोरेज नहीं आती है। जब मैंने कैमरा खरीदा था तो मैंने खरीदा था एक 128GB का SD कार्ड। तो क्योंकि मैंने कैमरा 2 महीने यूज़ किया है तो मैं अपना पर्सनल रेटिंग करना चाहूँगा कैमरे के लिए, जिसमें कि मैं साइज़ एंड कंपेटिबिलिटी को रेट करूँगा 8 out of 10, वैल्यू ऑफ मनी को मैं रेट करूँगा 7 out of 10, माइक्रोफोन 6 out of 10, एसेसरीज 9 out of 10, बैटरी बैकअप 6 out of 10, वाटरप्रूफ केसिंग 10 out of 10। अगर हम बात करें इस कैलकुलेशन की ओवरऑल रेटिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वो निकल कर आती है इस कैलकुलेशन के हिसाब से 7.2 out of 10, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है एक एवरेज कैमरा के लिए। और अगर आपका ये बजट है तो मैं कहूँगा आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कैमरा, और कमेंट करके बताएं कि इसके बाद मैं किस नए कैमरा का रिव्यू करूँ।